है तो 1400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आपसे 1400 रुपए सरकार लेके आपको 200-400 रुपए का राशन देती है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासन करने के लिए दिया था, राशन के लिए नहीं दिया था। राशन तो अगर जानवर भी हो तो उसके लिए भी इंतजाम हो जाता है। आप महसूस करो, 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का कर दिया, 120-130 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 500-600 रुपए का कर दिया, जो दवाई 20 रुपए की आती थी वो 500 रुपए की आती है, पेट्रोल डीजल के दाम दुगने कर दिए, बसों का ट्रेन का किराया बढ़ गया, और तो और स्कूल बंद करने के लिए रणनीति पैदा की जा रही है कि गरीब के बच्चे स्कूल में ना घुस पाए। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, गरीबों के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, गरीब उन हॉस्पिटलों में घुस भी नहीं पाते हैं। हमारी पढ़ी लिखी बहनें घर बैठी हैं, मेरे पढ़े लिखे भाई अच्छी पढ़ाई की, इन्होंने अपने में इनके माँ बाप ने पेट काट काट के इनको एक एक पैसा जुटा के पढ़ाया। आज ये घर में बैठे हैं खाली, माँ बाप इनकी तरफ घूर घूर के देखते हैं कि इतना पैसा भी खर्च कर दिया, समय भी, ये कोई कारोबार नहीं कर रहे, नौकरी लग रही है कहां से करें, सरकार नौकरी दे नहीं रही है। इसलिए जो सरकार, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जो सरकार हमारे हितों की रक्षा ना कर सके उस सरकार को हमें ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने नारा भी दिया कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और आपके साथ जितना भी जुल्म हुआ हो, ऐ मेरे कमजोर शोषित दलित पिछड़े मुसलमान किसान ईसाई बौद्ध जैन सिख, देश की महिलाओं बहन बेटियों नौजवानों, आप पे जो भी जुल्म हुआ है उस जुल्म को खत्म करने का एक ही तरीका है, ना लाठी से ना तलवार से। अगर आप होने वाले जुल्म को रोकना चाहते हो तो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार हथियार दिया है, इस हथियार का सही प्रयोग करो और अपनी जुल्म जाति गरीबी को बेबसी को खत्म कर दो। मैंने आपसे वादा किया है 10 साल में अगर सतगुरु जी के आशीर्वाद से, आप माँ बहनों के आशीर्वाद से, आपकी दुआ प्रार्थनाओं से, क्योंकि आजकल नेताओं को रोकने के लिए जो नेता सीबीआई की इनकम टैक्स से ना रुके जेल मुकदमे डरे उसकी हत्या की जाती है। एक बार मेरे ऊपर गोली चला के, चार गोली चला के मेरी हत्या का प्रयास किया गया है, लेकिन आपके आशीर्वाद से बच गया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे 10 साल की जिंदगी मिली, मैं आपको वचन देकर कहता हूँ कि आपका हाथ किसी के आगे ऐसे फैलने नहीं दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। किसी बहन बेटी की तरफ किसी दरिंदे को अन्याय अत्याचार नहीं करने दूंगा, जाति के आधार पर धर्म के आधार पर किसी गरीब कमजोर मुसलमान भाई के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा, इस बात का वादा मैं आप लोगों से याद करता हूँ। और जो व्यवस्था बनी थी कि 5 प्रजापति कसर सैन मौर्य साके जाट गुजर सैन प्रजापति सैन विश्वकर्मा के बेटे चमार वाल्मीकि पाटिल धोबी कोरी के बेटे, और सर बैकवर्ड में भी जो मुस्लिम बैकवर्ड है, यहाँ सारी है, मलिक है, तमाम जातियां जो पिछड़े वर्ग में आती है उनको भी आरक्षण का फायदा मिलता है, उनके बच्चों को भी मुस्लिम बैठने का अधिकार मिले, उसके लिए भी हमें संविधान की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है, आप मुझे 100 किलो माला पहना दो, इससे कुछ नहीं होगा। आप मुझे 100 किलो भोजन मेरे सामने रख दो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप वोट की ताकत मुझे नहीं दोगे तो ये सड़कों की लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, और अगर आपने वोट की ताकत मुझे दे दी फिर आपको किसी के आगे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद अकेला आपको 100-100 MP के बराबर पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय समय पर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष को आगे बढ़ाया, ये भी संघर्ष को कंधों पर जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है कि हम अपने खून करके कतरा कतरा लुटा के इस संघर्ष को कामयाब करें। क्या आप इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग साथ देंगे। ये टीन के नीचे छांव में जो लोग खड़े हैं, इनमें जो हरी शर्ट वाले भाई खड़े हैं, उनका हाथ नहीं उठा, क्या वो हमारे साथ नहीं है? नहीं, दोनों हाथ उठाओगे तो मानूंगा, एक हाथ से तो मानूंगा फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और ये जो लाल सी शर्ट वाले भाई पीछे खड़े हैं, अगर मैं वकील आदमी हूं नजर नहीं रखूंगा तो नजर में चोरी हो जाएगी, हाथ नीचे कर लो। आप जानते हो क्या कभी जुल्म हुआ हो मैंने आपका हाथ छोड़ा कभी? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। आप ये भी पता कर लेना, परसों जो जुल्म हुआ 15 मिनट में भीम आर्मी के लोगों ने वहां जाके मौके पे उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दिल्ली में गए, आप पता करवा लेना कि उसको सस्पेंड किसने करा, जिस SI ने ये गलत हरकत की थी, आप पता करवा लेना। और नहीं पता करा पाओ तो फोन है आपके, उसमें BBC को रिपोर्ट देख लेना,
आपको ये पता लग जाएगा कि भीम आर्मी के लोगों ने मौके पे पहुंच के उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अभी तो हम सड़कों पे हैं, जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो हर जुल्म जाति की आलिया थम जाएगी और स्वाभिमान सम्मान के साथ आप अपने मुल्क में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, लोकतंत्र में अगर आप चंद